प्यारे बच्चों नमस्कार, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके एक्सरसाइज 13.2 के ऊपर, जिसके हमने अप्रोक्सीमेट 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक, ए बच्चों हमारे पास चार बिंदु है, ए बी सी और डी, इनके निर्देशांक है, ए के जो मेरे पास निर्देशांक है वो है 3, 2, 4, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5 एंड -1, सी के कोऑर्डिनेट हैं 6, 3, 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1, 0। ये बच्चों हमें चार पॉइंट दिए गए हैं और सिद्ध कीजिए अर्थात प्रूव करना है कि ए बी और सी डी, यानी जब आप ये दो वेक्टर बनाओगे ए बी और सी डी, वो परस्पर क्या होंगे, लंबवत हैं अर्थात परपेंडिकुलर हैं, लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर होंगे। बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए दो बातें जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, नंबर एक कि ये दोनों कैसे ज्ञात होंगे, सबसे बड़ी बात है ये। पहले भी आपको सिर्फ पॉइंट दिए गए हैं, दो वेक्टर तो नहीं दिए गए। तो यदि आपको याद हो तो थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि यदि एक कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और बी कोई अदर पॉइंट है जिसके निर्देशांक अर्थात जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, z2। तो जब आप ए को बी से जॉइंट करोगे यानी मिलाओगे तो जो नया वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, आपका ए बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 i कैप + y2 - y1 j कैप + z2 - z1 k कैप। तो बच्चों फॉर्मूला दिमाग में आ गया होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें दो वेक्टर बनाने हैं, एक तो ए बी वेक्टर बनाना है और एक सी डी वेक्टर बनाना है। तो ए बी वेक्टर के लिए देखिए, सबसे पहले ए बी वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं 3, 2, 4 और बी के कोऑर्डिनेट है 4, 5, -1। देखो सीधा याद रह जाए बेटर है, वरना एक बार हिंट के लिए इनके नीचे x1, y1, z1 x2, y2, z2 एक बार मैं यूज कर लेता हूँ। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्टली आऊंगा। ए बी वैक्टर क्या होगा, कंसेप्ट है x2 - x1। तो x2 कितना है बच्चों हमारा, 4, x1 3। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, 4 - 3 i कैप, बस मजा गई होगी, प्लस y2 5 है एंड y1 2, तो आ जाएगा 5 - 2 j कैप और z2 - z1 यानी -1 और ये माइनस का आएगा तो -4 k कैप। तो बच्चों जो कंप्लीट है वो क्या बन जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1। तो बच्चों आप सब जानते हो 1 लिखने की कोई जरूरत खास होती नहीं है, तो सीधा i कैप। 5 - 2 3 यानी 3 आएगा j कैप और -1 - 4 तो ये हो जाएगा -5 k कैप। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखिए कि भी आपको ए बी वेक्टर पता करना समझ आया या नहीं आया, ए बी समझ आ गया होगा। तो बच्चों जैसे हमने ए बी पता किया है बिल्कुल वैसे ही हम कौन सा पता करेंगे, सी डी का। तो सी के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है 6, 3, 2 और डी है 2, 1, 0, ठीक है। क्वेश्चन में ए बी और सी डी ही है, ठीक है। तो सी डी वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो देखो बच्चों एक बार समझने के लिए इसको मैं x1, y1, z1 की तरह यूज करता हूँ, x2, y2, z2। फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, पॉइंट चेंज करने का मतलब ये नहीं है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा सिर्फ कंडीशन। तो x2 - x1 यानी 2 - 6 i कैप
प्लस वन माइनस थ्री जे कैप जीरो माइनस टू टी कैप। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टू माइनस सिक्स माइनस फोर आई कैप, वन माइनस थ्री माइनस टू जे कैप और माइनस टू टी कैप। ये आ गया मेरे पास सी डी वैक्टर। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो देखो आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी ए बी वैक्टर पता चल गया और सी डी वैक्टर हमें पता चल गया। हमें सिद्ध क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे अर्थात परपेंडिकुलर होंगे। तो अब बारी आती है परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को देखने की। तो यदि दो सदिश, जैसे मान लो एक बार ए सदिश मैंने ये मान लिया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, एंड बी वेक्टर मान लिया एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। तो जो ए डॉट बी होगा, जो ए डॉट बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू, ये होता है ठीक है। और यदि ये दोनों आपस में लंबवत हो अर्थात परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी क्या हो जाता है, हमेशा जीरो। अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया कि जो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 यदि जीरो के इक्वल आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो बच्चा हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं कि a और b आपस में लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है ठीक है। तो अब यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि ए बी डॉट सी डी इक्वल जीरो है यानी बराबर जीरो है, तो क्या ये अपने आप लंबवत हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बताइए ये लंबवत हो जाएंगे। तो अब लिखिए ए बी को, सबसे पहले जब हम लिखेंगे कि आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप डॉट सी डी है माइनस फोर आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप। तो इससे तुलना कीजिए, x1 y1 z1 की जगह आपको दिखाई दे रहा है एक तीन माइनस पांच, x2 y2 z2 की जगह दिखाई दे रहा है माइनस चार माइनस दो दो। तो x1 x2 यानी यहां पर एक, x2 की जगह कितना है माइनस चार, y1 की जगह थ्री, y2 की जगह माइनस टू, z1 की जगह माइनस फाइव और z2 की जगह माइनस टू। इतनी बात समझ आ रही होगी। गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर होगा, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स होगा, माइनस फाइव इंटू माइनस टू टेन। तो ये देखो दोनों का नेगेटिव साइन है, दोनों का ऐड कर दो माइनस टेन प्लस टेन, तो क्या आंसर आया जीरो। यानी मेरे पास ए बी डॉट जो सी डी वेक्टर है वो क्या आया जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी वेक्टर है वो सी डी वेक्टर के साथ लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर है या नहीं। अब बच्चों आराम से देखो, समझ आया या नहीं आया वो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, डाउट तो आगे बढ़े फिर। तो अब बच्चों यदि आपको एग्जाम क्वेश्चन नंबर नाइन समझ आ गया हो, तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर टेन की। तो क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन बहुत बढ़िया सवाल है और आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, बहुत अच्छा सवाल है, यानी इसका कंसेप्ट बढ़िया है। आपको दिया है कि किसी सदिश ए सदिश के लिए, यानी कोई वेक्टर है बच्चों हमारे पास ए वेक्टर, जिसके लिए हमें यह सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना है कि ए वेक्टर इक्वल होना चाहिए किसके, ए वेक्टर डॉट आई कैप, फिर यहां पे आई कैप ठीक है, फिर है प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप और यहां पे फिर है जे के, ए वेक्टर डॉट के कैप के कैप। अच्छा देखो दो कंसेप्ट आपको मैं पहले बताता हूं। नंबर एक, डॉट हमेशा दो वेक्टर के बीच ही लगेगा। नंबर एक, यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि टू कोई सीधी संख्या है वेक्टर, तो इसको टू ए वेक्टर लिखो, टू डॉट ए वेक्टर लिखेंगे नहीं ठीक है।
अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी सबसे पहले कि सर यहां पर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इनके बीच में डॉट क्यों नहीं लगाया। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझिए भाई, ये भी एक तरीके का वेक्टर दिखाई दे रहा होगा कुछ बच्चों को, ये वेक्टर डॉट क्यों नहीं लगाया। तो अगर आपको याद हो जो मैंने बेसिक बताया था, जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तब जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर यानी एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती। और सदिश अदिश राशि के साथ यानी स्केलर क्वांटिटी के साथ सीधा आईजेके लगता है, तो यहाँ पे डॉट नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई बच्चा गलती से यहां डॉट लगा देगा तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब जो हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लिखेंगे, माना ए वेक्टर जो है वो हमने मान लिया कुछ ऐसा है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मान सकते हैं। अब यदि मैं इधर वाली वैल्यू को भी यही बना दूं तो क्वेश्चन हो जाएगा ना इक्वल। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए वेक्टर डॉट आई कैप। बच्चों देखो, क्वेश्चन को साथ कभी मत करो, टुकड़ों में सॉल्व करो, उसके बाद सभी को एक साथ लिखो। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट आई कैप, तो डॉट प्रोडक्ट वाला जो रूल है वो देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बच्चों देखो, डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, यदि जो आपको याद हो मैंने पीछे वाला जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था, पीछे वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था मैं उसको दोबारा लिख रहा हूं, ये था। तो हमने इसको क्या लिखा था, ए डॉट बी इक्वल एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू, कुछ ऐसा ही लिखा था। यानी एक रूल बताऊं तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ के वाला, रूल याद रह जाएगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो यहां पर देखो आई के साथ कितना है, एक्स है, और यहां पर आई के साथ कितना है, कुछ नहीं है तो मैं वन मान सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, एक्स डॉट वन। वाई के साथ जे कैप है, लेकिन यहां जे कैप है क्या, तो कुछ मल्टीप्लाई होगा, कुछ गुणा होगा क्या, कुछ नहीं आएगा। यहां पर के कैप है, लेकिन यहां पर के कैप नहीं है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट बिठा लो। या आप कहते हो सर सभी के साथ लगाओ, तो बच्चों देखो इसको एक तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स आई कैप डॉट आई कैप, फिर वाई क्या करोगे तो क्या आ जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप। आप कहोगे सर वाई शामिल क्यों नहीं किया, तो अभी मैंने बोला था जो डॉट है वो हमेशा किसके बीच लगता है, दो वेक्टर के बीच लगता है, तो वाई तो एक संख्यात्मक मान है, ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू है, तो वहां पे लगाना जरूरी नहीं है। और जेड क्या आएगा, के कैप डॉट आई कैप, कुछ ऐसा। अब बच्चों आपको जिस दिन मैंने इसका बेसिक करवाया था तो मैंने बताया था कि आई कैप डॉट आई कैप हमेशा कितना होता है, एक, जे डॉट आई क्या होगा, जीरो, और के डॉट आई क्या होगा, जीरो। क्यों होता है इसका मैं आपको कारण अभी बता देता हूं, वैसे मेरा बताया हुआ भी है, क्योंकि इससे जो पहले वाला सवाल हमने किया है वहां पे हमने एक बात बोली है, यदि दो वेक्टर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। अब आपको पता होगा कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है वो कुछ ऐसे ही होती है, नहीं होती, तीनों आपस में लंबवत है या नहीं है। यानी यदि मैं इसको आई मानू, इसको जे मानू, इसको के मानू, तो ये जो आई है वो जे और के दोनों के साथ लंबवत हुए है या नहीं है। लंबवत होने का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। बस समझ आ गई होगी, तो इस वजह से ये जीरो हो जाएंगे, तो इनको हटा दो, तो ये ए वेक्टर डॉट आई कैप सीधा किसके इक्वल आ गया, एक्स के। बताइए बच्चों इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट है क्या। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है ए वेक्टर डॉट जे कैप की। सेम यही प्रोसेस यदि मैं दोबारा करूं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो सेम वही प्रोसेस आएगी, एक्स आई डॉट जे प्लस वाई जे डॉट जे प्लस जेड के डॉट के। तो बच्चों सेम, सॉरी के डॉट जे होगा, वही प्रोसेस, आई और जे आपस में लंबवत होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी वेक्टर हो खुद के साथ हमेशा जीरो डिग्री का कोण बनाता है, तो वो एक हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सीधा रिजल्ट क्या आया, वाई। बताओ बस समझ आ गई होगी,
अब जो नेक्स्ट होगा मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं क्या, वो फिर इस हिसाब से क्या बन जाएगा, जेड बनेगा या नहीं बनेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई, डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। हमने बच्चों इस क्वेश्चन को टुकड़ों में किया, हमने क्या किया, ए डॉट आई केप, ए डॉट जे केप, ए डॉट के केप, कोई प्रत्येक वैल्यू को अलग अलग हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है इतना। अब बारी आती है इस क्वेश्चन को आगे लिखने की, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे केप, फिर है ए वेक्टर डॉट के कैप। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई है x, तो यहां पे यदि मैं ये रख दूं x, इसकी जगह क्या रखा जाएगा y, और इसकी जगह क्या रखा जाएगा z, तो क्या आंसर आया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z। और ये बताइए मैंने किसके बराबर माने, a के, तो बराबर a वेक्टर। तो अब बताइए ये बात सिद्ध हो गई या नहीं होगी, आराम से बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया पूरा, कोई डाउट नहीं होगा, कर सकते हो, तो आगे बढ़े फिर। तो बच्चों फिर आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, तो सर बच्चों एक बार वापस नजर डाल लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ए डॉट आई केप क्या आया एक्स आया, क्योंकि आई डॉट आई एक हो जाएगा, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा डॉट इसका जीरो, क्लियर हो गया होगा। सेम यही प्रोसेस ए डॉट जे के लिए है और ये डॉट ए डॉट के लिए है, फिर यहाँ पे वैल्यू रखो और प्रूव करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा जो, और जो 13.2 का बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, हमें यह सिद्ध करना है, यानी बाय वेक्टर मेथड हमें यह प्रूव करना है कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं उनके स्क्वेयर का सम उनकी साइड के स्क्वेयर के सम के हमेशा इक्वल होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, हम मैंने एक पैरेललोग्राम अर्थात एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन सेम होती है, तो ये ए वेक्टर है, तो ये भी बच्चों क्या होगा ए वेक्टर, क्योंकि आप जानते हो जो पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती है बराबर होती है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा अर्थात परिमाण भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वली होंगी। सेम ही प्रोसेस इन्हीं दो साइड के लिए रहेंगे, ठीक है। अब एक तो इसका डायगोनल हो जाएगा AC और एक इसका डायगोनल क्या हो जाएगा BD। तो सबसे पहले मैं देखो क्या लिखूं, मैं AB साइड उसको मैंने लिखा A वेक्टर, BC साइड को मैंने क्या लिखा B वेक्टर, और DC साइड को मैंने लिखा A वेक्टर, और AD साइड को भी मैंने क्या लिखा B वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों हम पहले इनके जो डायगोनल अर्थात इनके जो विकर्ण वो ज्ञात करते हैं, तो देखो मैं नीचे ट्रायंगल बनाता हूं छोटा सा, ये मान लीजिए आपका एबीसी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो जो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है वो क्या कहता है कि यदि ए से कोई बी वेक्टर, ए वेक्टर गया और वो जहां से एंड हुआ यदि वहीं से दूसरा स्टार्ट होकर पहुंचा तो जो AC वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के इक्वल होगा, यही रूल है ना सदिशों के योग का, त्रिभुज नियम यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जो AC वेक्टर है वो क्या हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इतनी बात समझ आई, कोई डाउट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सिर्फ एक बार इस ट्रायंगल को देखो ए बी सी को, ये साइड मैंने क्या मानी है ए, ये बी, तो एसी वेक्टर है जो डायरेक्शन वो क्या बताएगा इन दोनों के योग को बताएगा, ये होता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक आओगे तो डायरेक्ट यहाँ से आओगे तो इनका योग हो जाएगा। लेकिन अभी एक और है हमारे पास, एक डायगोनल और बच गया बी डी। तो बी डी के लिए मैं यदि मान लो इसको लूँ ट्राइंगल, यदि मैंने ये ले लिया बी सी डी, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये उधर। तो बच्चों देखो रूल के हिसाब से देखो कि इनकी जो डायरेक्शन देखो भाई, ए से बी आई, बी से सी गई, ये डायरेक्शन है। लेकिन इसमें देखो बी से सी गए लेकिन यहाँ पे डी से सी आ रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी क्या? तो यदि मुझे योग करना है तो मुझे तो सी से डी की ओर जाना पड़ेगा ना भी। एक तो मैं बी से मान लो सी पे आ गया और मुझे सी से डी पर पहुंचना है, तो डायरेक्शन मेरी सी से डी की ओर रहेगी या डी से सी की ओर रहेगी? सी से डी की ओर रहेगी। तो इसको यदि मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ए वेक्टर नहीं हो जाएगा क्या? तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो जो डायगोनल बी डी होगा वो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये बच्चों ये बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट है? बस थोड़ा सा रूल याद रखना डायरेक्शन का, यदि आप ए से बी पे आए, बी से सी पे गई, तब ये जो ए से सी पे आओगे तब इन दोनों का योग करना है। यदि डायरेक्शन आ जाएगी रिवर्स हो जाएगी तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई होगी? हमें सिद्ध क्या करना है कि विकर्णों के वर्गों का योग इन सब के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब आपके पास डायगोनल है या नहीं है, ये विकर्ण है या नहीं है? विकर्ण है, ये भी है। तो एक काम करते हैं, इनका स्क्वेयर कर दो, ऐड कर दो, इनका स्क्वेयर करके ऐड कर दो। यदि इक्वल आते हैं तो बताइए अपने आप प्रूव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? प्रोसेस समझ आ गई होगी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मुझे फाइंड आउट करना है एसी वेक्टर का स्क्वायर। तो क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो बच्चों जैसा आपको याद हो हमने इसको डायरेक्टली क्या लिखा था, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, बस यहाँ पे सीधा एक भी मत कर देना कि डॉट होता है, ये हमारा सिद्ध किया हुआ एग्जांपल में, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बी डी है हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा? बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बच्चों जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनका रूल क्या होता है कि ये आपस में कर्म विनिमय अर्थात कम्यूटेटिव होते हैं। यानी यदि मैं ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी डी स्क्वेयर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर स्क्वेयर प्लस ए वेक्टर स्क्वेयर माइनस टू बी डॉट ए को एक बार क्या लिख दूं मैं फिर ए डॉट बी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आप इन दोनों को ऐड करो, ए सी वेक्टर का स्क्वेयर प्लस बी डी वेक्टर का स्क्वेयर। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो ए वेक्टर का स्क्वेयर प्लस बी वेक्टर का स्क्वेयर प्लस टू ए डॉट बी, फिर दोबारा बी वेक्टर का स्क्वेयर प्लस ए वेक्टर का स्क्वेयर माइनस टू ए डॉट बी। तो बताइए बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? कैंसिल कर सकता हूं ना। बची हुई वैल्यू क्या है वो देखो, ए वेक्टर का स्क्वेयर प्लस बी वेक्टर का स्क्वेयर प्लस बी वेक्टर का स्क्वेयर प्लस ए वेक्टर का स्क्वेयर। अब एक काम करो इन सबको लिख दो, ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए बी, तो यहां पे मैं ए बी स्क्वेयर कर दूं। बी वेक्टर किसके इक्वल है, बी सी, तो यहां पे बी सी स्क्वेयर कर दूं। फिर वापस बी वेक्टर आया, ये बी वेक्टर किसके इक्वल है, ए डी, और फिर जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है, बी सी। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना है या नहीं करना है? तो बच्चों एक नियम होता है, रूल होता है कि ए वेक्टर के स्क्वेयर को डायरेक्टली ए स्क्वेयर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। तो ये तो सिद्ध करना है या नहीं करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग
उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात किसी भी पैरेललोग्राम में जो उनकी जो फोर साइड हैं उनके स्क्वायर का सम उनके डायगोनल के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। बच्चों बात समझ आ गई होगी, एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि जो कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जिसकी चार साइड हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी, मैंने इनको क्या नाम दे दिया, ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर। डायगोनल फाइंड आउट किया, जो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है यानी त्रिभुज का योग का नियम है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ए प्लस बी। इस त्रिभुज को लोगे तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स आ रही है तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। इन दोनों का स्क्वेयर कर दिया अलग अलग, फॉर्मूला आप जानते हो स्क्वेयर लिखने का, जो रूल है जो हमारा प्रूव भी किया हुआ है, दोनों को ऐड किया यानी जोड़ा तो कुछ ऐसे आया, इन सबको ये लिख दिया तो ये प्रूव हो गया। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है? तो इसी साथ बच्चों जो आपकी 13.2 है वो क्या हुई, कंप्लीट हुई। और बच्चों जो आगे की जो हमारी जानकारी रहेगी वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। ओके।